दोस्तों, खिलाड़ी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म स्काई फोर्स को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट बाहर आई है। आपको बताते इसलिए कि अक्षय कुमार सर की सेट से पहली झलक सामने आई, जिसे देखकर फैंस बहुत ज़्यादा खुशी से पागल हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते इसलिए कि अभी अक्षय कुमार सर ने स्काई फोर्स की शूटिंग ज्वाइन नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बताते इसलिए कि अक्षय कुमार सर ने जहाँ पर ये सेट लगाया गया मुंबई में, वहाँ पर अक्षय कुमार सर की पहली झलक देखी, जहाँ पर ये तस्वीर ली गई थी और वहाँ से तस्वीर निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि अक्षय कुमार सर कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि अक्षय कुमार सर ब्लैक कलर की शर्ट में नजर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और दोस्तों, इस सेट से तस्वीर निकल कर आई और दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय कुमार सर स्काई फोर्स की शूटिंग अगले महीने यानी जून से शुरू करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि स्काई फोर्स बहुत बड़ी धमाकेदार मूवी होने वाली है। और दोस्तों, अगले महीने जून के फर्स्ट वीक से अक्षय कुमार सर बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से इसकी शूटिंग करेंगे। और वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि अक्षय कुमार की स्काई फोर्स बड़े मियाँ छोटे मियाँ को टक्कर देगी। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि एक एक्शन से भरपूर मूवी होने वाली है, स्काई फोर्स उसको टक्कर देने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक खतरनाक स्टंट मूवी में होने वाला है और भाई लोग अक्षय कुमार सर हवाई एक्शन करते हुए देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरा हवाई एक्शन होने वाला है, तो भाई लोग मूवी तो बाप लेवल होने वाली है और बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। जी हाँ दोस्तों, अभी इसकी रिलीज डेट नहीं आई, लेकिन दोस्तों ये मूवी 2024 के सेकंड हाफ में रिलीज होगी। जी हाँ दोस्तों, खबरें आ रही है कि 2024 में ये मूवी रिलीज होने वाली है, वो भी सेकंड हाफ में यानी जुलाई या अगस्त में रिलीज होगी। तो भाई लोग, पूरी बाप लेवल एक्शन इसमें होने वाला है, जो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और अक्षय कुमार सर के नाम है भाई लोग, 2023, 2024, 2025 अभी से ही अक्षय कुमार सर की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की वाइब आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सभी फिल्मों से ब्लॉकबस्टर की वाइब आ रही है। तो आप इस मूवी को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं।